अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक होंगे। तो इधर जी मैं सहरी से पहले वाली जो एक मैं लेट नाइट चाय पीती हूँ बस वो बना रही थी। ये होता है कि ये वाली चाय मेरा दिल करता है मैं सुकून से आराम से बैठ के पीऊँ। एक दिन व्लॉग की मैंने छुट्टी ली थी और बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उस दिन मुझे व्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए था बिकॉज़ उस दिन अफ्तारी मैंने नहीं बल्कि बनाई थी उस्मान ने। इसी वजह से मैंने एक वो पोल भी रखा था कि मैं पूछना चाह रही थी कि जनरल कौन कौन से किन किन लोगों के हस्बैंड हैं जो के साथ उनकी इफ्तारी में हेल्प करते हैं। तो माशाल्लाह से एक अच्छी परसेंटेज है जो कि जिनका ऑप्शन था, जिनका जो आंसर था वो येस था, मतलब कि 51% का ऑलमोस्ट ये था कि जी हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प करते, विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। बिकॉज देखें रोज़ा दोनों का होता है और अगर हस्बैंड जॉब पे जाते हैं तो बीवी घर में फादर के आराम से नहीं होती, आई स्वेयर। बच्चे संभालना उससे बहुत मुश्किल काम है। तो ये है अगली सुबह का व्लॉग। मैं बारिश की आवाज़ से उठी और माशाल्लाह से मौसम यहाँ पे बहुत ही प्यारा हो रहा था, अच्छी तेज़ बारिश हो रही थी और बड़े मज़े की ठंडी हवा, एक बड़ा आपको अच्छा फील होता है और आपको फॉर चेंज फील नहीं हो रहा था कि आप सऊदी अरब में और एक डेजर्ट जिसको बोला जाता है उधर रह रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया था और ये किचन माशाल्लाह से मैं सारा मेरा साफ़ था। सुबह उठते सबसे पहले मैंने ये कर लिया था तो साफ़ सुथरा था और बट ये जो हाल है ये ज़्यादा देर नहीं रहता, एक दफ़ा आप इफ्तारी की तैयारी शुरू करो तो बस दोबारा फिर हाल बुरा हाल हो जाता है। दूसरी तरफ मैं लाउंज में थोड़ा आपको चीज़ें दिखाती हूँ। मैं ये वीकेंड पे जाके थोड़ी सी एक दो चीज़ें होमवर्क से ली थी तो मेरा था आप लोगों से शेयर करती हूँ और ये पहले ही निकाल के बैठी है। ये मुझे फ्रूट बास्केट बड़ी क्यूट सी लग रही थी, बनानाज रख दिए मेरे घर, लाइक सेब केले वगैरह बैर रख दें, बेशक फ्रिज में रख दें, फ्रिज में चलो बंदा आम बास्केट में रख देता है बल्कि बट इधर बाय शेल्फ पे ऐसी बास्केट में पड़े हुए प्यारे लगते हैं। मैंने इधर कर्टन्स लिए थे। दूसरी तरफ ये बास्केट्स मेरे पास पहले भी थी तो ये अच्छी लगती हैं और ये मैंने वॉशरूम के लिए जो एक रग होता है और जो टॉयलेट सीट के आगे वो होता है मैट, एक पेयर मेरे पास पहले था तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया कि जब उसको जो लॉन्ड्री में डाला हो और सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मीनवाइल ये बिछा लेते हैं। और एक मैंने ये ना कुशन लिया मेरा था जानमाज के पास रखूँ कि बंदा आराम से बैठता है नमाज के बाद और कुरान पाक भी पढ़ लेता है, वैसे भी कभी ऐसे दिल करता है जैनब बैठ जाए तो मुझे बड़ा प्रिंट अच्छा लग रहा था। तो उधर खाना बनाने से पहले थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी बस साथ वाले पकाया पे चल के, बेसिकली जो रेसिपी बनानी थी उसके लिए मुझे थोड़े से कैशियस चाहिए थे और साथ मेरा प्लान था कि आज सैंडविचेस भी बना लेती हूँ तो उसके लिए मुझे बंद गोभी चाहिए थी। और जैनब इसको देखते हुए कही यार ये बॉल कैच कि मुझे ये दे दो, ये शायद बॉल है। और जो आलू थे वो तो लाइक रमज़ान में बस वो कहते ना लाई जाओ वो वाला सीन था। अंडे भी ख़त्म हुए पड़े थे तो बस जाओ तो फिर होता है कि चलो एक ही दफ़ा में क्या बार बार चक्कर लगेंगे, मैं गई हुई मैं ले आती हूँ फिर या अफ्तारी के बाद उस्मान जाए। साथ ये होमवर्क ना मुझे छोटा सा पैन भी मिला था, मुझे बड़ा क्यूट लगा था। मेरा ये प्लान था मैंने ज़ीरा उस थोड़ा सा भूनना है या पैन केक्स के लिए या छोटा फ्राइन रख लिया, साइज़ बड़ा पटीट सा बड़ा क्यूट सा था और आई थिंक साइज़ से लाइक यूटिलिटी से ज़्यादा ना ये क्यूट इतना लग रहा होता है कि ऐसी चीज़ें ना मेरा दिल नहीं करता छोड़ने का। तो बस फिर थोड़े से बर्तन रहते थे तो मेरा था कि चलो जी साथ साथ इससे पहले के करने लगूँ काम जो थोड़े से रह गए वो दो दो पहले मैं अपनी तरफ से साफ़ करके बिल्कुल फ्री होके गई हूँ। बट जब मैं गई हूँ डाइनिंग की तरफ तो मुझे याद ही नहीं था कि रात के एक दो जो प्लेट्स थी वो वहीं पे पड़ी थी, दूध अफजा वाला जग मग पड़ा वाला। तो खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं, बस उसी में बर्तन धोने में 10-15 मिनट लग गए। और बताएं कैसे जा रहे सबका रमज़ान। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ना रूटीन बड़ी अच्छी सी बन जाती है, पहले एक दो रोज़े ज़्यादा मुश्किल होती है, उसके बाद इंसान अपनी एक रूटीन में एक रिदम में आ जाता है, बच्चों की भी एक रूटीन सेट हो जाती है। जिनके छोटे बच्चे मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी छोटे बच्चों के साथ कैसी रूटीन है, बिकॉज़ ज़ैनब के साथ मेरी तो ये है कि मेरी कोशिश होती है मैं इसको 10-11 बजे सुला दूँ बट बहुत मुश्किल से सोती है और उसके बाद ऑलमोस्ट रोज़ ही ये ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे सहरी से पहले उठ जाती है, जो कि मैं कहती हूँ कि चलो अच्छा उस टाइम पर मैं एक दफ़ा इसके डाइपर चेंज कर देती हूँ और दूध पी के फिर सो जाती है, मतलब कि उस टाइम पर ये रोना नहीं डालती कि मैंने नहीं सोना, बट 10-11 बजे वाला बड़ा मुश्किल से सोती है। और भीच का जो नैप है इसने वो भी लेना छोड़ दिया, बिकॉज सुबह ये एक तरह से बेहतर ही है कि मेरे साथ लेट सो के उठती है तो इसकी वजह से मुझे ना कोई जल्दी उठने का नहीं होता। तो और ये बस इसके फीडर रह गए थे, फीडर धोते हुए ना मैं पानी बिल्कुल गर्म की तरफ कर देती हूँ, मैंने ग्लव्स पहने होते तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा होता, लेकिन ये चीज़ होती है कि जो उसके फीडर्स है ना मैं कहती हूँ कि बॉयल करने में जो एक मेरा एक्स्ट्रा स्टेप जाना है वो यहीं पर पूरा हो जाता है, उबलता पानी आ रहा होता है तो मैं ज़रा उसमें अच्छे से उसका जो बॉटल है वो भी कर देती हूँ और मुझे साथ होता है कि बॉयल भी हो। साथ ही था कि जो जितने काम पहले अफ्तारी से पहले कर सकूँ ना कर लूँ, ये भी समेट के रख लेती हूँ अंडे ताकि शेल्फ क्लियर हो जाए
और ये जो है थोड़ी देर के लिए ज़ैनब इससे खेलने, बिकॉज इसको बहुत उस वक्त की ना इससे एक्सट्रैक्शन हो रही थी कि ये पता नहीं क्या पैक है किस चीज़ का जो माँ इसको संभाल के रखा हुआ है। तो मैं था चलो मैं निकाल के रख देती हूँ। ये एक अंडा थोड़ा सा इस पर क्रैक था मेरा, था इसको सबसे ऊपर रख दूँगी ताकि सुबह नाश्ता बनाते हुए सबसे पहले ये यूज़ कर लूँ। अच्छा तो आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, अगर अच्छी बनी तो इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करूँगी, बट थोड़ा सा आपको गाइड दे देती हूँ कि मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ज़रा ब्राउन किया है इसमें, और उन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट एक टेबलस्पून जितना पुदीना, एक टेबलस्पून जितना धनिया, 3-4 लहसुन के क्लोव्स, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और साथ कैशियोज़ मैं इस टाइम पे दिखाना भूल गई थी, वो पैकेट मैंने बाद में डाला था वो, और जो प्याज आपने देखा है इसके अलावा ऑलमोस्ट 3/4 जो था वो दही डाल दिया था मेरे पास ना, दही आधा पैक पड़ा ही हुआ था तो मैंने वो सारा डाल दिया, हरी मिर्चें 3-4 डाल दी स्पाइसी वाली, ज़रा उससे स्पाइसी एलिमेंट आ जाता है, और ऑलमोस्ट आधा कप से थोड़ा सा कम ही क्रीम भी लकली मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो डाल दी। आजकल ना मुझे बड़ा खाना बनाते हुए मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, बिकॉज़ लास्ट टाइम दो जो मैंने देसी हांडियाँ बनाई है ना, एक आलू गोभी उसमें मैं आलू डालना भूल गई थी और भिंडी को, वो मेरी ना बड़ी ना ज़रा अच्छी नहीं बनी थी, तो मुझे ना लाइक अपनी तरफ से ना बड़ी हो रही थी, और मैं उस्मान से कह रही थी कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही मेरा खाना इतना सही क्यों नहीं बन रहा। उसके बाद मैंने पता डरते डरते चावल बनाए, खैर वो ठीक बन गए। तो एनीवेज़ वो पूरी जो पेस्ट थी ना, मैंने पहले चिकन को हल्का सा ऑयल में फ्राई करके जो थोड़े से इधर मसाले थे इसके वो डाल के, तो फिर जो पेस्ट थी वो इसमें डाल के इसको दम पे रख दिया, और ऑनेस्टली इसी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनी थी। तो शुक्र अल्लाह पाक का, पराठों के साथ मैंने ना खाई थी जो डॉन वाले पराठे इधर जो होते हैं। खैर लेटर ऑन आराम से बर्तन वगैरह क्लियर करके चाय बनाई है, और ये मेरी कंपनी तो बस इसके साथ बैठ के आराम से चाय पी रही थी, टीवी देखने नहीं देती, तो थोड़ी देर में था वीडियो बना के, तो फिर फ़ोन पे बैठ के कुछ देखती हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।